आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। पीएम मोदी की सुरक्षा चूक पर आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। दोपहर 12 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। उत्तराखंड में मनीष सिसोदिया आज वर्चुअली करेंगे नव परिवर्तन संवाद। डिजिटली पार्टी की नीतियां जनता तक पहुंचाएंगे सिसोदिया। उत्तराखंड में शुरू हुआ बूस्टर डोज अभियान, पहले 60 के ऊपर वाले लोगों का होगा टीकाकरण। पहाड़ों पर बर्फीला कहर जारी, शिमला से लेकर गंगोत्री तक सफेद चादर से ढके हिल स्टेशन। देश में लगातार कोरोना का कहर जारी, बीते 24 घंटे में 1,79,723 नए केस आए, सामने 146 मरीजों की मौत। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड बुलेटिन की। खबर हरिद्वार से है, जहां जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे ही राजनीतिक दलों में चुनावी सरगर्मियां भी तेज होती जा रही हैं। वहीं ज्वालापुर विधानसभा आम आदमी पार्टी की भावी उम्मीदवार ममता सिंह ने कहा कि हम 2022 के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अब की बार क्षेत्रवासी मूड बना चुके हैं कि इस बार चुनाव में आम आदमी पार्टी की ममता सिंह को लाना है। साथ ही उन्होंने बताया कि ज्वालापुर में लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जैसे सड़कें नहीं बनी, बच्चों के लिए स्कूल नहीं बने, मौका मिलने पर अधूरे हुए सभी कार्य हमारी सरकार पूरा करके दिखाएगी। विधानसभा चुनाव की हमारी बड़ी जबरदस्त तैयारी है, आप लोग देख सकते हैं। हमारे करीब 50 लोग जो है, हमारे जो जवान हैं आम आदमी पार्टी के, वो बिल्कुल तैयार हैं और जबरदस्त तैयारी है हमारी। जीतनी है हमें विधानसभा 100%। बिल्कुल इस बात पक्का जी। तो मतलब इसमें आपके जो क्या मुद्दे रहेंगे अगर मान लो आप जीतती हैं जनता के लिए? हमारे मुद्दे जो भी हमारे स्थानीय निवासियों के, क्षेत्रवासियों के जो भी हमारे मुद्दे हैं हम बखूबी निभाएंगे। जनता बहुत परेशान है हमारी, हमारे ग्रामवासी भाई बहुत परेशान है, ब्रिज से परेशान है, किसान लोग परेशान है, ब्रिज नहीं है, वहाँ पर रास्ता नहीं है, तो बहुत परेशानियाँ, किसान भाई हमारे बहुत परेशान है। खबर हरिद्वार से है, जहां मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने समीक्षा बैठक कर आरओ तथा एआरओ की ट्रेनिंग के संबंध में अधिकारियों से जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि आरओ और एआरओ की ट्रेनिंग हो चुकी है। साथ ही मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ये भी बताया कि 13 बूथ ऐसे चिन्हित हुए हैं जहां 1,250 से अधिक मतदाता है। चुनाव में कोविड गाइडलाइंस का पालन होना चाहिए। 15 जनवरी तक कोई भी रैली, जनसभा, पदयात्रा आदि पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा, जिसके बाद आयोग स्थिति का आकलन करके निर्णय लेगी। जनपद के साथ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एसपी साहब का और डीएम साहब का जो क्रॉस बॉर्डर का जो मीटिंग्स है वो लगातार हो रहे हैं, उसके लिए जो मेजर्स लेना है उसके बारे में भी वो पूरा कार्यवाही कर रहे हैं। स्टैटिक सर्वेलेंस जो हमारा टीम्स है वो भी लगेंगी और उसमें भी पूरा कार्यवाही होगी। एक्साइज डिपार्टमेंट का जो हमारा टीम्स है, प्लस जीएसटी, स्टेट जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी का जो टीम्स है, इनकम टैक्स का जो टीम्स है, जो भी मोबाइल टीम्स है इसके लिए जो एक्टिवेट किया है, और हमारा फ्लाइंग स्क्वाड्स है, इसमें पूरा निगरानी रखेंगे कि कोई भी नारकोटिक्स, ड्रग्स या एक्साइज या कोई भी इंसेंटिव देने के लिए कोई भी चीज। खबर हरिद्वार से है, जहां पीएम नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सलामती को लेकर नवनियुक्त वक्फ बोर्ड के सदस्यों और भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने एक चादर दरगाह पिरान कलियर भेजी। चादर को वक्फ बोर्ड के सदस्यों और भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने दरगाह पिरान कलियर हजरत साबिर ए पाक के रोजे मुबारक पाक पेश पर पीएम नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सलामती की दुआ मांगी है। और इस मौके पर पूर्व राज्य मंत्री और नवनियुक्त वक्फ बोर्ड सदस्य शादाब शम्स ने कहा कि पंजाब दौरे पर गए सीएम और सीएम की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है, जिसकी वक्फ बोर्ड के सदस्यों और भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और पंजाब में बैठी कांग्रेस की सरकार को सुरक्षा में हुई चूक का जिम्मेदार ठहराते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के आह्वान पर, उनकी सरपरस्ती में हम लोगों ने यहाँ अल्पसंख्यक मोर्चे की तरफ से एक चादर पेश की है,
कि प्रदेश का अल्पसंख्यक समाज ये चाहता है कि जो पंजाब के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ मिस हैपनिंग होते होते रह गई, जिस तरह से एक बहुत बड़ी साजिश होते होते मेरे प्रधानमंत्री जी के साथ रह गई, जिस तरह से उनकी जिंदगी पे खतरा मंडराया था कि कोई उनको नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो हम सब लोग मिलकर यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक चादर भेजी है कि जिससे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी की लंबी उम्र की हम लोग दुआ करें, उनकी कामना करें। और मुझे लगता है कि यहाँ पर मांगी गई, पीरान कलियर में मांगी गई कोई दुआ जाया नहीं जाती, इसलिए बहुत। चमोली के ऊपरी हिमालयी क्षेत्रों में हुई बर्फबारी के बाद अब निचले इलाकों में तेज बर्फीली सर्द हवाओं ने जबरदस्त शीत लहर पैदा कर दी है। बात अगर सूबे के अंतिम सरहदी सीमांत नगर जोशीमठ की करें तो यहां भी बर्फबारी के बाद ठंड और ठिठुरन से नगर वासियों का काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि नगर के मुख्य बाजार के तिराहों, नटराज चौक, टीसीपी मार्केट सहित अन्य चौराहों पर नगर पालिका प्रशासन की ओर से राहगीरों के लिए शीत लहर और सर्दी से राहत देने के लिए बावत अलाव की व्यवस्था की गई है। और मौसम विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार अभी क्षेत्र में और बर्फबारी और बारिश के आसार हैं, जिससे अभी सर्दी और शीत लहर से सीमांत वासियों को राहत नहीं मिलेगी। पिंडर घाटी के मींग गांव में महादेव और पांडव की पूजा अर्चना और भव्य मेले का यात्राओं का आयोजन होते रहते हैं, लेकिन इस बार करीबन 85 साल बाद गांव में नवदुर्गा नवरात्रि का आयोजन किया जा रहा है, जिससे यहां के बुजुर्गों, नौजवानों, स्थानीय लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। दूर दूर से बेटियां, प्रवासी गण और रिश्तेदार नवरात्र में हाजिरी लगाने बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। गौरतलब है कि इस बार उत्तराखंड की आराध्य देवी मां राजराजेश्वरी नंदा देवी अपने मायका सिद्धपीठ कुरुड़ धाम के लिए इस मींग गांव से होकर यात्रा कर रही हैं, तो यह अवसर और भी धार्मिक और मार्मिक साथ ही भावपूर्ण बन गया है। मां नंदा उत्तरायण पक्ष में उत्तरायणी के पावन पर्व पर अपने मायका सिद्धपीठ कुरूड़ धाम में पहुंचेंगी, जहां वो 6 महीने का प्रवास करेंगी। 6 महीने के बाद उनको उनके ससुराल कैलाश के लिए अश्रुपूर्ति माहौल में विदा किया जाता है। आज हमारे ग्राम मींग में 90 साल के बाद मां भगवती की नवरात्रा हो रही है, जिसमें सारे गांव का सहयोग, क्षेत्रवासियों का सहयोग, गैणियों का सहयोग, इष्ट मित्रों का सहयोग, सबका हमको इस सहयोग प्राप्त हुआ। और आज सौभाग्य की बात है कि मां नंदा देवी की डोली यात्रा आज हमारे मींग में पहुंची है। ये नवरात्र का वो किया तो आज सारे क्षेत्र में, मतलब हमारे जो मतलब रिश्तेदार हैं, मींग विनायक बनोली और रिश्तेदार हैं, जो महिलाएं हैं, ध्याणे हमारी हैं, सब यहाँ पहुँचे हैं। दूर दराज से लोग आए हैं। ये लोगों की एक मतलब इतनी वो थी कि भाई हर आदमी ये सोचा कि 90 साल बाद ये हो रहा है, तो हम लोगों को भी जानकारी नहीं थी, मगर हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं उन्होंने बताया कि 90 साल पहले हुआ था। तो आज जो है कि सभी लोगों के दिल में एक ऐसी भावना है कि बोल करके यहाँ पे। प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है, जिसके बाद नगर पंचायत लालकुआं क्षेत्र में लगे राजनीतिक पार्टियों के सैकड़ों होल्डिंग्स हटाए गए, जिसके बाद लालकुआं नगर पंचायत टीम ने सरकारी संपत्तियों और पोलों पर लगे छोटे बड़े होल्डिंग्स हटाने के बाद जब्त करते हुए होल्डिंग न लगाने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी पूजा टमटा ने कहा कि आचार संहिता लगने के बाद नगर से होल्डिंग हटाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। आचार संहिता का पालन कराए जाने के लिए प्रशासन मुस्तैद है, उल्लंघन किए जाने वाले के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हैं जैसे कि आप भलीभांति अवगत हैं कि आचार संहिता लग चुकी है और चुनाव आयोग की जो भी गाइडलाइन है जिनका पालन जो है स्थानीय निकायों को करना होता है, तो उसके अंतर्गत दिशा निर्देश दिए गए हैं। वर्तमान में शहर में विभिन्न प्रकार के होर्डिंग, यूनिपोल, पोस्टर्स, बैनर्स और वॉल पेंटिंग्स लगाई गई है जो कि चुनाव संबंधी है, सिर्फ उन्हीं को हटाने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। हो सकता है कि चुनाव आयोग द्वारा कुछ बैनर, पोस्टर और प्रचार सामग्री उनको अधिकृत किया गया हो, लेकिन अभी तक ये हमारी जानकारी नहीं है। फिलहाल के लिए यही दिशा निर्देश दिए गए हैं टीम को कि वो जितने भी चुनाव संबंधी बैनर, पोस्टर और यूनिपोल्स होर्डिंग्स लगाए गए हैं तो उनको क्लीन करें।
उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की तिथियों की घोषणा और आचार संहिता लागू होने के साथ ही प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। रुड़की में प्रशासन की टीम सड़कों पर उतर आई है और राजनीतिक दलों के बैनर, पोस्टर और होल्डिंग उतारने का काम शुरू हो गया है। साथ ही सभी से नियमों का पालन करने की अपील भी की जा रही है। भारत निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। उत्तराखंड में भी चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद अब उत्तराखंड में भी राजनीतिक पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारना शुरू कर दिया है। आज विकास नगर में भारत संवैधानिक संरक्षण मंच के संयोजक दौलत कुमार ने निजी जगह पर पत्रकारों से वार्ता की। इस पत्रकार वार्ता में दौलत कुंवर को चकराता विधानसभा प्रत्याशी और स्वराज सिंह चौहान को विकास नगर विधानसभा प्रत्याशी घोषित किया गया है। चकराता विधानसभा प्रत्याशी घोषित होने पर दौलत कुंवर ने कहा कि पिछले 25 सालों से चकराते में एक ही परिवार राज कर रहा है और चकराता विधानसभा क्षेत्र की जनसमस्या आज भी जस की तस है। चकराता क्षेत्र की जनता अपने वर्तमान विधायक से उब चुकी है, अब जनता परिवर्तन चाहती है। चमोली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां के थाना थराली पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। थाना अध्यक्ष ब्रजमोहन सिंह राणा के नेतृत्व में दीवाल तिराहे से चेकिंग के दौरान 2 युवकों से 1.5 किलो चरस बरामद की गई है। गिरफ्तार दोनों युवक दीवाल विकास खंड के हिमनी घेस के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक पकड़ी गई चरस की कीमत लगभग 2,25,000 आंकी गई है और थाना थराली पुलिस ने दोनों युवकों के खिलाफ NDPS एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं गिरफ्तार दोनों युवकों द्वारा चरस की इस बड़ी खेप को जहां कहां से लाया गया है, कहां ले जाया जा रहा था, इस मामले में पुलिस द्वारा पूछताछ जारी है। वहीं थाना थराली द्वारा अवैध रूप से नशे की इस बड़ी खेप की बरामदगी और अभियुक्तों की गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक चमोली द्वारा पुलिस टीम को पुरस्कृत करने की भी घोषणा की गई है। हमारे पुलिसकर्मियों द्वारा दीवार तिराहे पर चेकिंग की जा रही थी, जहाँ पर 2 व्यक्तियों को उनके द्वारा चेकिंग के दौरान लगभग 1.5 किलो चरस के साथ पकड़ा गया। पुलिस द्वारा इसमें आवश्यक कार्रवाई की जा रही है और इस काम के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 2,500 की राशि प्रदान की जाएगी। इस संबंध में इनसे पूछताछ की जा रही है और जिस प्रकार की जानकारी इनसे प्राप्त होगी उस अनुसार कार्रवाई की जाएगी। पहाड़ों की रानी मसूरी की ऊंचाई वाली पहाड़ियों पर बर्फबारी हो रही है, साथ ही लगातार बारिश भी हो रही है। बुरास खंडा और धनौल्टी में लगातार बर्फबारी का दौर जारी है। सीजन की पहली बर्फबारी को लेकर जहां स्थानीय लोगों में खासा उत्साह है, वहीं धनौल्टी और उसके आसपास की पहाड़ियों के साथ ही बुरास खंडा सुवाखोली लाल टिब्बा क्षेत्र में बर्फबारी का आनंद लेने के लिए पर्यटकों की लंबी कतारें लग रही हैं। वहीं बर्फबारी में पर्यटक जमकर थिरकते भी नजर आए हैं और पर्यटन नगरी मसूरी में भी लगातार बारिश होने से तापमान में भारी गिरावट आ रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि शीघ्र ही मसूरी शहर में भी हिमपात हो सकता है। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।